तो वॉच अगर फ़ोन से कनेक्ट होगी तो आप फ़ोन में वाइब्रेशन होने लगेगा इस पर क्लिक करने के बाद। कैप्चर वाला जो ऑप्शन है ये आपका कैमरा रिमोट का काम करेगा। कैमरा रिमोट का मतलब जैसे आपको अपने फ़ोन की फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप वॉच के जरिए क्लिक कर पाएंगे, ठीक है, वॉच ऐप से कनेक्ट होने। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज आपके लिए फिर से नई वॉच आ चुकी है। वॉच का मॉडल नंबर L22 वाली वॉच होने वाली है। वॉच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में आपको ये वाली वॉच मिल जाएगी। 49mm का इसका डायल होता है। 2.05 इंच की इसकी डिस्प्ले होती है, बिग डिस्प्ले होती है, ठीक है। ब्लूटूथ जो कॉलिंग होती है वो भी आपको इसमें मिल जाती है। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, हार्ट मॉनिटरिंग वगैरह काफ़ी सारे फीचर आपको होने वाले। और क्या क्या फीचर्स होने वाले सब कुछ मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो पूरा देखना एंड तक, जानकारी आपको इसी वीडियो में पूरी दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो गाइज फटाफट से अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। इस वॉच के अंदर आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल। वॉच को कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए आप यूजर मैनुअल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वॉच को ऑपरेट करना आप सीख सकते हैं, ठीक है। यूजर मैनुअल में एक आपको बारकोड मिलता है। बारकोड आपको इसलिए दिया जाता है, बारकोड को स्कैन करके आप वॉच का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं वॉच की फीचर्स की, सब कुछ क्लियर करेंगे वीडियो में, बस वीडियो पूरा एंड तक देखिए। एक आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, एक आपको मिलता है ओशन स्ट्रैप्स, एक आपको मिलती है वॉच 49mm वाली, और ब्लैक कलर भी आपको मिलने वाला है। ब्लैक कलर देख रहे हो कितना ज़बरदस्त आपको होना, क्योंकि ब्लैक कलर इतनी आसानी से मिलता नहीं है। अधिकतर आपको सिल्वर तो बहुत मिल जाएंगे अल्ट्रा में, ब्लैक कलर आते ही नहीं है ये देखो। लेकिन ये वाला आपको फुल ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पीछे स्क्रू भी है, स्ट्रैप्स लॉक भी है। सीरीज़ 9 वाली अल्ट्रा होने वाली है ये। अभी मैं वॉच को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अल्ट्रा 2 वाला जो मॉडल है सबसे लेटेस्ट वाला वो आपको इसमें मिलने वाला है, और वो भी 600 रुपये के बजट में आया है, तो जेब पर ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ने वाला। आपके बजट में 600 रुपये के बजट में ये वाली वॉच आई है, देख सकते हो। वॉलपेपर आपको इसमें एक से बढ़कर एक वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। टच भी दिखाता हूँ आपको, मक्खन की तरह टच है, कोई लैगिंग वगैरह वॉच के अंदर होने वाली है नहीं बिल्कुल भी। इधर आपको सेंसर भी थोड़ा सा मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप सेंसर भी देख सकते हैं ध्यान से। आप सेंसर के बाद आपको यहाँ पे एक साइड में जो बटन दिया हुआ है, अगर आप एक मिनट इसको बाहर, अगर इस साइड में जो वाला बटन है आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका स्पोर्ट्स मोड ओपन हो जाता है, जिसमें आपका ब्रिज ट्रायल का रनिंग है, वॉकिंग वगैरह काफ़ी सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। रनिंग, माउंटेनिंग वगैरह, जंप, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, पिंग पोंग वगैरह काफ़ी सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं और क्या क्या फ़ीचर्स होने वाले हैं। एक मैक्सवेल आपको ये वाली इसमें मैंने बताई दी आपको, अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करने जाएंगे तो आपकी मैक्सवेल चेंज हो जाएगी। इसमें आपको पेडोमीटर मिल रहा है, हार्ट रेट का सेंसर है, ब्लड ऑक्सीजन का है, BD प्रेस है, स्पोर्ट्स मोड भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। ये वाला स्पोर्ट्स मोड आप डायरेक्ट, मैंने आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाई दिया, यहाँ से भी आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड ऑन कर सकते हैं। स्लिप का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल ही जाता है। स्लिप के बाद कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, कॉल लॉक का ऑप्शन है, डायल दे रखा है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। अब बात करते हैं कॉलिंग वगैरह स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है। देखो कॉलिंग अगर आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी तो नीचे से स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको ऊपर से। उसके बाद ये वाला है ना, कभी कभार ये वाला फीचर ऑफ होता है तो इसको पहले ऑन कर लेना। ऑन करोगे ना आप इसको तभी आपका वॉच जो है वो सर्च में आएगा आपके फ़ोन में, ठीक है। काफ़ी लोग इसको ऑन करते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि यार वॉच सर्च में नहीं आ रही है, यार हमारी वॉच ख़राब तो नहीं है, तो वो ख़राब नहीं होती है। आप पहले ब्लूटूथ ऑन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको और दिखाता हूँ, मैसेज का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। QQ का ऑप्शन है, वीचैट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जो दिखा रखा ना, ये तो नोटिफिकेशन के होता है। नोटिफिकेशन कब आती है आपकी, जब वॉच को आप ऐप से कनेक्ट करेंगे। ऐप से कनेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ती है पहले, उसके बाद नोटिफिकेशन आना चालू होती है, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल इसमें होने वाली, टोटल 5-6 तरह की, चार तरह की मेंस्ट्रुअल लग रही है इसमें, 5 तरह की। बाकी आप वीडियो पूरा देखें, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी मेंस्ट्रुअल होने वाली है। लुकअप वाला जो ऑप्शन है इसमें, जैसे आप फ़ोन वगैरह रख कर भूल गए हैं तो वॉच अगर फ़ोन से कनेक्ट होगी तो आप फ़ोन में वाइब्रेशन होने लगेगा इस पर क्लिक करने के बाद। कैप्चर वाला जो ऑप्शन है ये आपका कैमरा रिमोट का काम करेगा। कैमरा रिमोट का मतलब जैसे आपको अपने फ़ोन की फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप वॉच के जरिए क्लिक कर पाएंगे, ठीक है, वॉच ऐप से कनेक्ट होनी चाहिए। म्यूजिक भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह चेंज करना हो या फिर सॉन्ग्स प्योस करना हो, साउंड बढ़ाना हो, उसके लिए ये म्यूजिक कंट्रोल भी आप कर सकते हैं वॉच को ऐप से कनेक्ट करने के बाद। स्टॉप वॉच भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। स्टॉप वॉच उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो कोई टारगेट वगैरह सेट करते हैं ना, कि भैया एक जैसे कोई काम आपने किया तो कितनी देर में काम कंप्लीट हो, उसके लिए स्टॉप वॉच का बहुत अहम रोल होता है। वेदर का ऑप्शन है इसमें, QR कोड यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ से भी आप QR कोड को अपने फ़ोन के स्कैनर से स्कैन करके वॉच का ऐप डाउनलोड कर पाएंगे।
उसके बाद कैलकुलेटर भी आपको इसमें मिल जाता है, कैलकुलेटर में आप अपना हिसाब वगैरह भी लगा पाएंगे। इसके बाद सेटिंग्स वाला ऑप्शन, उसमें आपको अबाउट का ऑप्शन मिल रहा है, अबाउट में L22 इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपका लैंग्वेज अपने पसंद से कोई सी भी लगा लेना है इसमें, जो भी आपकी चॉइस है। पासवर्ड का भी ऑप्शन इसमें दे दिया है, पासवर्ड ऑन कर सकते हो आप इसमें, पासवर्ड जो भी लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। अभी मैं पासवर्ड लगा के नहीं दिखाऊंगा, कोई पासवर्ड काफ़ी बार ऐसा होता है भूल जाते हैं तो फिर याद नहीं रहता, तो जब भी आप वॉच परचेज करते हैं तो पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड याद भी ज़रूर रखिए। ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है, यहाँ से कम प्लस माइनस करके कर सकते हो। उसके बाद लाइट टाइम वाला जो ऑप्शन दे रखा है, 5 सेकंड 10 सेकंड कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि बार बार जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो रही है ना वो इसी की वजह से हो रही है, बाकी आप 30 सेकंड तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइट टाइम हो गया हमारा। वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको वॉच के अंदर दे रखा है, वाइब्रेशन ऑन करनी है ऑफ़ करनी है वो आप कर सकते हैं। रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, रीसेट भी आप कर सकते हैं। रीसेट के बाद आपको पावर ऑफ का ऑप्शन दे रखा है, पावर ऑफ वगैरह करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। पावर ऑफ के बाद आपका सेटिंग्स वाला ऑप्शन, ये मैंने कवर कर ही दिया। उसके बाद और कौन सी मैक्सटल रह गई, उसके लिए मैं डबल क्लिक करूँगा फिर से। एक साथ डबल क्लिक किया, मैक्सटल आपकी चेंज हो जाएंगी। डबल क्लिक एक साथ होना चाहिए तभी मैक्सटल आपकी चेंज हो पाएंगी, ठीक है। एक साथ डबल क्लिक किया फिर से आपकी मैक्सटल चेंज हो जाएंगी, एक साथ आप डबल क्लिक करे जाओ और मैक्सटल आपकी चेंज हो जाएंगी। एक से बढ़कर एक मैक्सटल आपकी होने वाली है 600 रुपये के बजट में। अगर आपका 600 का बजट है तो आप ये वाली वॉच परचेज कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दूंगा, ऑल इंडिया आप डिलीवरी करवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी में सिर्फ कोरियर चार्ज आपको पहले देना पड़ता है। कोरियर चार्ज देने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी आप डिलीवरी करवा देना, ठीक है। उसके बाद आपको और कौन सी मैक्सटल रहेगी वो भी देख लेता हूँ एक बार मैं। डबल क्लिक एक साथ करोगे मैक्सटल आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। फुल डिस्प्ले के साथ आपको ये वाली वॉच मिलने वाली है, इसमें तीनों बटन वर्किंग हैं, क्राउन वर्किंग है, कॉल मिला सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं, पीछे स्क्रू भी दे दिया, स्ट्रैप लॉक भी दे दिया, 3.9 लिखा हुआ है इसमें अल्ट्रा में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाती है। इसमें आपको स्ट्रैप लगाना भी बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप स्ट्रैप इसमें लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रैप लगाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल बड़े प्यार से आपको इसमें स्ट्रैप लग जाएंगे। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ, इसमें आपके वॉलपेपर आपको एक से बढ़कर एक वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। कितना प्रीमियम लुक लगेगा वॉच पहनने के बाद आप समझ सकते हैं। वॉच की प्राइस मैंने आपको बताई दी है, सिर्फ़ और सिर्फ 600 रुपये, 600 रुपये का बजट है तो आप इस वॉच को परचेज कर सकते हैं। बाकी वॉच के बारे में और कोई डिटेल अगर मिसिंग रह गई होगी तो उसके लिए आपको यूजर मैनुअल दिया जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें दो लैंग्वेज होती है, एक चाइनीज़ लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के वॉच को ऑपरेट करना सीख सकते हैं, ठीक है। और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ये वाली वो सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि भैया आईफोन में करेगी या एंड्रॉयड में नहीं करेगी, दोनों में वो सपोर्ट करने वाली है। तो आज के वीडियो को एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नई वॉच की अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।